रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। जगन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गुजरात के बारडोली में अलंकार चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था ठप। बारडोली के टेन रोड अलंकार रोड चौराहा पर लगभग 15 दिन से ट्रैफिक जाम की व्यवस्था दिख रही है। जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी चौराहे पर रहना चाहिए वह नदारद थी। हमारे जगह न्यूज 24 ने जब जायजा लिया तब ट्रैफिक पुलिस भी नाराज थी और इस ट्रैफिक में एम्बुलेंस जो इमरजेंसी मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी आधे घंटे से जाम रही और कई ऐसे इमरजेंसी मरीजों को ले जाने की व्यवस्था में भी ट्रैफिक के वजह से दिक्कत है। हमारी जगह न्यूज 24 की टीम से तरफ से बारडोली ट्रैफिक पुलिस से अनुरोध है कि आप लोग ऐसे जाम होने वाले चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे जारी रहनी चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानी नहीं होगी और आम भी जाम भी नहीं लगेगा। जगह न्यूज 24 गुजरात बारडोली से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत की खबर। बारडोली जो ट्रैफिक का नज़ारा देखिए, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो ट्रैफिक विभाग के पुलिस है, कहाँ है इन लोगों का कोई आता पता नहीं है। और पूरी पब्लिक क्या आधे घंटे से परेशान हो रही है, क्यों ये इन विभाग को, इन ट्रैफिक विभाग को, ट्रैफिक पुलिस को ये चीज़ नहीं दिखती है, क्यों ये हम जनता परेशान हो रही है। इसमें कई लोग एम्बुलेंस भी जाम हुई है, कुछ पेशेंट लोग भी, मरीज लोगों को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ का जो स्थानीय पुलिस अधिकारी है, उनसे भी कहना है कि यह जिन जिन चौराहे पर जहाँ जाम होता है वहाँ एक नहीं दो 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 नहीं चार पुलिस खड़ी करे और ये जो ट्रैफिक है इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। इन्हें जो कोई मरीज है, इमरजेंसी है, उसकी जान नहीं जा सके या कोई ऐसा प्रेग्नेंट पेशेंट है उनको दिक्कत नहीं हो। मेरी फिर भी हमारे जगत न्यूज 24 की तरफ से यहाँ का जो ट्रैफिक अधिकारी है उनसे और एक बार कहना है कि आप लोग इन चौराहे पर इसे जाम दें और ऐसे जाम होने से रोके। जगत न्यूज 24 गुजरात बारडोली से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत। पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24।